What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to YFL. वेज दम बिरयानी बना रहा हूँ आज, और इस वीडियो के एंड में एक गिव अवे अनाउंस कर रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब जैसे ही मैंने वेज दम बिरयानी बोला है तो मुझे पता है कि काफ़ी डिबेट शुरू हो जाएगी कमेंट सेक्शन में नीचे कि वेज बिरयानी बिरयानी होती है या नहीं होती है। मुझे इतना पता है कि मैंने जब भी चिकन और मटन बिरयानी शेयर की थी आप सबके साथ, तो कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे मेरे वेजिटेरियन फॉलोअर्स की कि वेज दम बिरयानी की रेसिपी बताओ। तो मुझे ये रेसिपी तो आपको बतानी ही थी, और फाइनली आज ये रेसिपी आपको बता रहा हूँ। और ये जो वेज दम बिरयानी बनेगी, जैसे मैं अपनी चिकन और मटन बिरयानी बनाता हूँ उसी तरीके से बनेगी, और बहुत ही डिलिशियस लगेगी। एंड आई एम श्योर कि मेरे जो भी वेजिटेरियन फॉलोअर्स हैं आप सभी को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है। एक अच्छी बिरयानी के लिए वो जो चावल होते हैं एकदम खिले खिले होने चाहिए, वो अलग अलग रंग के चावल मिलने चाहिए, वाइट कहीं पर, पीले कहीं पर, वो मसाले वाले, और साथ ही में बिरयानी में वो फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त वाला होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं उसके टिप्स आपको बताने वाला हूँ, और उसकी परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में बिरिस्ता भी एकदम परफेक्टली कैसे फ्राई किया जाता है वो भी आपको बताने वाला हूँ। ओवरऑल माइंड ब्लोइंग रेसिपी है। सबसे पहले अपने मिक्सर ग्राइंडर में मैं बिरयानी मसाला, होममेड बिरयानी मसाला कैसे बनाते हैं जो इस रेसिपी की जान है, उसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिरयानी मसाला कैसे बनता है वो देख लेते हैं। एक पैन को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लीजिए। पैन एक बार गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर लीजिए। अब गर्म पैन के अंदर 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून शाहजीरा, 2 टेबलस्पून हरी इलायची, 5 से 6 मोटी इलायची, 3 इंच दालचीनी, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 7 से 8 तीखी वाली लाल मिर्च, 7 से 8 तेज पत्ते, 2 टीस्पून लौंग और 3 जावित्री के फूल ऐड कर दीजिए। अब ये सारे मसालों को आपको एकदम लो फ्लेम पर आराम आराम से भूनना है, एकदम पेशेंटली, जब तक कि इन मसालों में से अच्छी अच्छी सुगंध नहीं आना शुरू हो जाती है और आपके मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से भून नहीं जाते हैं। बस इतना ही ध्यान देना है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना और इन मसालों को जलाना नहीं है। तो अभी मैंने इन मसालों को अच्छे से भून लिया है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। इस स्टेज पर इन मसालों को एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए, साथ ही में 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और आधे जायफल को आपको ग्रेट करके इसमें ऐड कर देना है। गर्म ही मसालों में कसूरी मेथी और जायफल को मिला लो। कसूरी मेथी जो रेजिडुअल हीट है उसकी वजह से थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी, और इन मसालों को अभी आपको ठंडा कर लेना है पीसने से पहले। गर्म मसालों को अगर आप पीसेंगे तो पीसते समय तेल छूट जाता है मसालों में से, तो वो नहीं करना है। एक बार आपके मसाले अच्छे से ठंडे हो जाएं तो इन्हें मैं अपने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। साथ ही में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 लार्ज चुटकी नमक की ऐड कर दीजिए। मिक्सर का ढक्कन लगा लीजिए और इन मसालों को अभी आपको पीस लेना है। मसालों को एकदम फाइन पाउडर में नहीं पीस रहा हूँ, इन मसालों को हल्का सा दरदरा पीस रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब फाइन टू कोर्स के बीच में होना चाहिए। वैसे टेक्सचर में इन मसालों को मैं पीस लूँगा। तो अभी आप देख सकते हो मैंने मसालों को पीस लिया है, इनका टेक्सचर भी देख सकते हो, एकदम परफेक्टली मसाले हमारे पीस चुके हैं और होममेड बिरयानी मसाला रेडी हो गया है। ये जो बिरयानी मसाला हमने घर पर बनाया है, इससे बिरयानी में जो फ्लेवर आता है माइंड ब्लोइंग आता है। एक बार आप फ्रेश बिरयानी मसाला घर पे बना के देखिए और उससे बिरयानी बनाइए, बिरयानी में जो फ्लेवर आएगा आपको मज़ा आ जाएगा ये बिरयानी खाने में। इस बिरयानी मसाले को एक एयरटाइट कंटेनर में आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, 1-2 महीने तक फ्रिज में रख दीजिए, एकदम बढ़िया तरीके से रहता है, और 3-4 बार बिरयानी आप इस क्वांटिटी से बना सकते हो। तो बिरयानी मसाला आपने सीख लिया। अब ये जो बिरयानी मसाला मैंने ग्राइंड किया है वो मैंने अपने हैमिल्टन बीच इंडिया के प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड किया है, और यही वाला जो प्रोफेशनल वाला मिक्सर ग्राइंडर है आप इस वीडियो के एंड में जीत सकते हैं, तो वीडियो एंड तक देखना है। ये बहुत ही पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर है जिसमें कमर्शियल ग्रेड की 1400 वाट रेटेड मोटर है, जिसकी वजह से ये इतनी आसानी से हार्ड इंग्रेडिएंट्स ग्राइंड कर देता है। जैसे आज आपने देखा सारे हार्ड मसाले इतने आसानी से ग्राइंड हो गए इसमें। इसमें 13 प्रीसेट मेन्यू ऑप्शंस हैं जिसमें आप सॉफ्ट से हार्ड इंग्रेडिएंट्स को फाइन, मीडियम और कोर्स तरीके से बहुत कंसिस्टेंटली हमेशा पीस सकते हैं। अपने आप ही मिक्सर ग्राइंडर काम कर देता है, इसके लिए आपका टाइम बच जाता है किचन के अंदर, और बहुत ही कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल रिजल्ट्स देता है। इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ 3 अलग अलग साइज के जार्स मिलते हैं जिसे यूज़ करना बहुत ही ईजी हो जाता है, और ये हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं, और इनके यूनिक स्क्वायर डिज़ाइन से चीज़ें ईजिली ग्राइंड हो जाती है। ये 100% लीक प्रूफ है, और इसमें कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, जैसे अगर आप लिड लॉक नहीं करोगे और मिक्सर जार को जब तक मशीन के ऊपर लगाकर लॉक नहीं करोगे तब तक मिक्सर ग्राइंडर शुरू भी नहीं होगा। मैं काफ़ी समय से ये मिक्सर ग्राइंडर यूज़ कर रहा हूँ अपने किचन में और बहुत ही प्रोफेशनल और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देता है। ये सूखे मसाले ही नहीं बल्कि ग्रेवीज, डोसा, इडली बैटर, हमस,
सूप्स, जूसेस, कई सारी चीज़ें इस मिक्सर ग्राइंडर में आप इजीली घर पर बना सकते हो और बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये मिक्सर ग्राइंडर घर पे यूज़ करने में। अब नेक्स्ट बिरयानी में हमारा स्टेप ये है कि हमें चावल सोक करने हैं, फिर बिरिस्ता बनाएंगे। तो चावल कैसे सोक करने हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो अच्छे क्वालिटी के बासमती चावल लिए हैं। इन्हें अभी हमें 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लेना है। तो पानी ऐड कीजिए चावलों में और एकदम हल्के हाथों से यहाँ पर आपको धोना है। गड़बड़ तभी हो जाती है कि यहाँ पर बहुत विगरेसली एकदम अच्छे से हम मसल देते हैं चावलों को और चावल के दाने यहीं पर टूट जाते हैं। तो एकदम हल्के हाथों से आपको चावलों को अच्छे से धोना है। आप देखेंगे कि चावल में जो पाउडर होता है और एक्सेस स्टार्च होता है वो पानी में निकल जाएगा और आपका पानी काफ़ी क्लाउडी हो जाएगा। तो ये पानी को निकाल कर ऐसे 3-4 बार धो लीजिए जब तक कि आपका पानी क्लियर नहीं हो जाता है चावल धोते समय। तो आप देख सकते हो अभी पानी जब भी मैंने डालकर इसको मिक्स किया है तो पानी एकदम क्लियर है, यानी कि चावल अच्छे से धुल गए हैं। इन चावलों को भी हमें 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए सोक कर लेना है। चावल को मैंने सोक करने रख दिया है। 45 मिनट्स टू 1 आवर जो है एकदम परफेक्ट टाइमिंग होता है सोक करने के लिए। अच्छे से सोक कीजिए चावल को, चावल खिला खिला बनता है। मैंने अभी चावलों को इसलिए सोक कर लिया कि आगे बिरिस्ता बनाना है, भाजियों को काट कर मैरिनेट करना है, तो वो सब प्रोसेस के दौरान हमारे चावल सोक हो जाएंगे। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो अपने किचन के अंदर। जब तक चावल सोक हो रहे हैं तब तक बिरिस्ता कैसे बनाते एकदम परफेक्ट वाला वो आपको बता देता हूँ। तो प्याज काटने से पहले प्याज को आपको अच्छे से पील कर लेना है, छिलका उतार देना है। उसके बाद आपको इस तरीके से प्याज को 2 हिस्सों में काट लेना है। अब प्याज को इस तरीके से रख के आपको इस डायरेक्शन में काटना है, ना कि आपको इस डायरेक्शन में काटना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा क्यों। प्याज को भी आपको एकदम पतले पतले स्लाइसेस में कट करना शुरू करना है। स्लाइसेस की जो थिकनेस है वो कॉइन के बराबर होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा मत काटिए और एकदम पतले पतले स्लाइसेस भी मत काटिए, नहीं तो बिरिस्ता जो है वो बराबर से फ्राई होता नहीं है। तो आप देख सकते हो एक बार काट लेंगे आप प्याज को तो इस तरीके से लेयर्स जो हैं ये छूट जाते हैं। तो ऐसे जब आप प्याज को कट करते हो तो ऐसे लेयर्स निकलते हैं और बिरिस्ता एकदम परफेक्टली फ्राई होता है, इसलिए आपको इस तरीके से ही काटना है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आधा किलो प्याज काट लिए। प्याज एक बार आप काट लें तो उनको इस तरीके से हल्का हल्का आपको मसल लेना है ताकि लेयर्स जो हैं वो छूट जाएं सारे प्याज के, तो फ्राई करने में आसानी हो जाती है। तो आप देख सकते हो लेयर्स एकदम अलग हो गए हैं। अब बिरिस्ता फ्राई करने के लिए एक बड़ी सी यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें जो तेल भी लिया है बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, तेल उतना ही लेना है कि जब भी आप प्याज ऐड करें तो तेल प्याज के सरफेस से नीचे होना चाहिए, क्योंकि प्याज बहुत जल्दी श्रिंक हो जाता है, तेल बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तेल की वेस्टेज हो जाती है। तेल आपका 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है जैसे हम डीप फ्राई करने के लिए लेते हैं तेल, बस मॉडरेटली हॉट ऑयल लेना है। एक बार 140 टू 145 डिग्रीज पे आ जाए आपका तेल तब प्याज को तेल में आपको ऐड कर देना है। फ्लेम को यहाँ पर हाई पर रखना है इनिशियली। प्याज ऐड करने का आपने देखा कि तेल का जो लेवल भी था वो प्याज के नीचे ही था। आपको भी धीरे धीरे स्टर करते हुए प्याज को पकाना है, प्याज को फ्राई करना है। बिरिस्ता बनाने की जो टेक्निक है वो बेसिकली है ये कि प्याज में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जब आप फ्राई करेंगे प्याज को मॉइस्चर रिलीज़ हो जाएगा और प्याज हमारे कैरमलाइज होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे ये गोल्डन ब्राउन रंग के हो जाएंगे और फिर जब ये तेल से निकालते तो एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। तो बिरिस्ता ऐसे बनता है। स्टार्टिंग में आपको हाई फ्लेम ही रखनी है, आप देखेंगे कि इसमें से बबल्स आएंगे, यानी कि मॉइस्चर छूटेगा प्याज में से। धीरे धीरे आप देखेंगे बबल्स का जो आना है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। कहीं भी स्टेज में आपको लगता है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो फ्लेम को आपको एडजस्ट करना है, थोड़ा सा लो पे लाना है। अगर ऐसे लग रहा है कि बबल्स एकदम बराबर हैं, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है, तो हाई टू मीडियम फ्लेम के बीच में ही आपको प्याज को फ्राई करना है। प्याज एक बार थोड़े लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएं, इस स्टेज पे आपको ध्यान देना है, फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दीजिए, मीडियम टू लो के बीच में रखिए, क्योंकि होता क्या है प्याज इस स्टेज पर एकदम फटाफट से गोल्डन ब्राउन, डार्क गोल्डन ब्राउन हो जाता है। ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है बिरिस्ता बनाते वक्त, तो ध्यान दीजिए जैसे ही प्याज का कलर इस तरीके से एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू होगा प्याज को आपको निकाल लेना है झारे से। प्याज को निकाल कर ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना है, एक्सेस ऑयल निकाल देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्याज को अभी एक टिश्यू पेपर के ऊपर आपको निकाल देना है। प्याज को निकालने के बाद फोक ले लीजिए और फोक से प्याज को अलग अलग कर लीजिए। ऐसे ही छोड़ देंगे तो प्याज एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो प्याज को ऐसे छुट्टा कर लीजिए। एक बार आपने प्याज को ऐसे अलग अलग कर लिया है उसके बाद एक टिश्यू पेपर लेके ऊपर से भी हल्का सा तेल जो है आपको निकाल लेना प्याज में से। आप देख सकते हो टिश्यू पे थोड़ा तेल लग गया है। बस अभी 3-4 मिनट के लिए प्याज को रेस्ट होने दीजिए, जो हीट है इसके अंदर इससे प्याज थोड़ा सा और डार्क कलर का हो जाएगा, इसे कैरी ओवर कुकिंग कहते हैं, और प्याज एकदम क्रिस्प हो जाएंगे।
आप देख सकते हो बिरिस्ता का एकदम बढ़िया सा रंग आया है, एकदम परफेक्ट बिरिस्ता हमारा बना है और ये एकदम क्रिस्पी भी हो गए हैं। जो तेल हमने यूज़ किया था प्याज को फ्राई करने के लिए, उसे आपको फेंकना नहीं है, यही तेल हम यूज़ करने वाले हैं बिरयानी में ऐड करने के लिए। बहुत फ्लेवरफुल होता है और इसे आप दूसरी सब्जियाँ बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिरिस्ता एकदम परफेक्ट कैसे बनाते हैं घर पर वो मैंने आपको बता दिया, और ये जो प्याज को गोल्ड में कैसे कन्वर्ट करते हो बता दिया। एकदम ब्यूटीफुल फ्लेवर आता है इस बिरिस्ता का बिरयानी के अंदर, और ये बिरिस्ता बनाकर आप जब बिरयानी बनाओगे उसका फ्लेवर ही कुछ और होगा। तो बिरिस्ता ज़रूर बनाइए, एकदम परफेक्ट टेक्निक्स है। नेक्स्ट हमें अभी सब्जियां लेनी है, कुछ मसाले लेने हैं, मैरिनेशन तैयार करनी है और फिर फटाफट हमारी बिरयानी बन जाएगी। सब्जियों की मैरिनेशन कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो बिरयानी के लिए यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जो गोभी, गाजर और आलू मैंने लिया है। आप देख सकते हो मैंने इनके पीसेस बहुत छोटे नहीं रखे हैं, गोभी के फ्लोरेट्स भी बड़े रखे हैं, गाजर को भी मैंने थोड़ा थिक रखा है काटते समय, और आलू को बस चार हिस्सों में मैंने क्वार्टर्स में कट कर लिया है। सब्जियों का साइज़ थोड़ा बड़ा रखना इस वेज दम बिरयानी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छोटा साइज़ रखोगे तो जब भी हम इस बिरयानी को 20-25 मिनट के लिए दम पर रखेंगे तो सब्जियां जो हैं घुल जाएंगी मसाले के अंदर, और वो सब्जियां बचेंगी ही नहीं, तो आएंगी ही नहीं जब बिरयानी आप सर्व करोगे। तो साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जियों का। साथ ही मैंने जो सब्जियां आज ली हैं, गोभी, आलू, गाजर, बीन्स और मटर लिए हैं। अभी ये जो सब्जियां हैं ये पड़ती ही पड़ती हैं वेज बिरयानी में। इसके अलावा आप अपनी मनपसंद सब्जियां ले सकते हैं, ब्रोकली, मशरूम, बेबी कॉर्न, कई लोग पनीर भी ऐड कर देते हैं, तो जो आपको पसंद है सब्जियां वो ऐड कर सकते हो और इस बिरयानी में डाल सकते हो। जो सब्जियों की क्वांटिटी है, आधा किलो चावल के लिए आप आधा किलो सब्जियां आपको लेनी है, तो ये जो सब्जियां ऐड करनी है आप कर सकते हो। सब्जियां एक बार आपने इस तरीके से तैयार कर ली, मैरिनेशन कैसे करनी है फटाफट देख लेते हैं। 250 ग्राम यहाँ पर मैंने दही लिया है। दही को आपको अच्छे से फैट लेना है, दही में वो गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट कर दही को एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इसमें 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्ची की पेस्ट, 2 टेबलस्पून जो बिरयानी मसाला हमने बनाया था वो ऐड कर दीजिए, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक। यहाँ पर अभी 3 से 4 टेबलस्पून जो बिरिस्ता वाला तेल था, प्याज वाला तेल था, वो ऐड कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया, खूब सारा ताज़ा कटा हुआ पुदीना ऐड कर दीजिए, और आधा टेबलस्पून नींबू का रस। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से फैट लेना है, अच्छे से मिला लेना है। एक बार ये मैरिनेट तैयार हो जाए, इसके अंदर मैं आधी छोटी गोभी ऐड कर रहा हूँ फ्लोरेट्स में कट की हुई, 1 से 1.5 गाजर, 1/3 कप फ्रेंच बीन्स, 2 आलू और 1/3 कप हरे मटर ऐड कर दीजिए। अब इसमें बिरिस्ता ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो बिरिस्ता है वो 80% लगभग मैं ऐड कर रहा हूँ, जो 20% है वो मैं लेयरिंग के लिए और गार्निशिंग के लिए साइड पे रख दूँगा। तो 80% बिरिस्ता ऐड कर दीजिए और सारी चीज़ों को आपको अभी अच्छे से मिला लेना है, सारी सब्जियों को मैरिनेट से अच्छे से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैं जलता हुआ कोयला ले रहा हूँ, इस पर हल्का सा घी ऐड कर दीजिए, एक ढक्कन लगा दीजिए और धुएं के अंदर इस मैरिनेड को बस 3 से 4 मिनट के लिए रहने दीजिए। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है ये धुंगार देने से। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट बाद ढक्कन निकालिए, जलते हुए कोयले को भी निकाल लीजिए, और यहाँ पर हमारी मैरिनेशन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हो सब्जियों को अच्छे से मिला लिया, मैरिनेट कर लिया। ऐसे अभी आपको बहुत समय तक मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा पका सकते हैं बिरयानी को। तो बिरयानी को पकाने के लिए एक मैंने बड़ी सी हांडी ले ली है। आपको कोशिश करना है एक मोटे तले की हांडी लेनी है या एक फ्लैट बॉटम वेसल ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं इधर साइड पर मैं पानी भी उबालने रख रहा हूँ हमारे चावलों के लिए, कि जब तक हम सब्जियों का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तब तक पानी भी रेडी हो जाएगा चावल बॉईल करने के लिए। हांडी को अभी आपको बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है, एकदम गर्म कर लीजिए हांडी को। उसके बाद इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो प्याज वाला तेल था वो ऐड कर दीजिए। अब हमारी मैरिनेट की हुई सब्जियों को इसमें ऐड कर दीजिए। भाजियों को ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, भाजियों को प्रॉपरली नहीं पका रहे हैं, जो मसाला है, जो दही है, उसको पका रहे हैं यहाँ पर। भाजियों को अगर इस स्टेज पर आप पूरी तरीके से पका देंगे तो जब चावल डालकर इसे हम दम पर पकाएंगे तो भाजियाँ जो है वो मैश हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेज दम बिरयानी बनाते समय, इस स्टेज पर भाजियों को ज़्यादा नहीं पकाइए। जब दही तेल छोड़ दे और मसाले तेल छोड़ दे तब तक ही आपको पकाना है, और इसको बस मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो 4 से 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, तेल छूट चुका है। इस स्टेज पर बस मसाले को आपको चख लेना है, टेस्ट कर लीजिए नमक के लिए।
नमक यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड कर दिया है, क्योंकि बिरयानी का जो ये मसाला होता है इसमें नमक और मसाले हल्के से तेज़ होने चाहिए ताकि ये चावल के साथ अच्छे से बाद में बैलेंस हो जाए। इस स्टेज पर यहाँ पर मैं गैस को बंद कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हो कि हमारी जो सब्ज़ी का मसाला है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, थोड़ा सा ड्राई है, तो उसमें बस एक से दो करछियाँ गर्म पानी की ऐड कर रहा हूँ। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ऐसे लटपटी ग्रेवी होनी चाहिए। तो आप जब बिरयानी बना रहे हैं तो अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा गर्म पानी आप ऐड कर सकते हैं। एक बार गर्म पानी ऐड कर दिया तो सब्जियों को आपको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पैन के अंदर, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ पुदीना और थोड़ा सा बिरिस्ता यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। और हमारी इनिशियल जो लेयरिंग है वो हो गई है चावल डालने से पहले। अब चावलों को पका लेते हैं। तो पानी आप देख सकते हो एकदम रोरिंग बॉयल पे आ गया है। पानी का रोरिंग बॉयल पे आना, ऐसे खोलता हुआ पानी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। 2 तेज पत्ते, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 हरी इलायची, 1 चक्री फूल यानी स्टार एनिस, 3 से 4 साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून शाहजीरा, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 स्लिट की हुई हरी मिर्च, यहाँ पर मैं 1/2 नींबू का रस इसमें ऐड कर रहा हूँ और साथ में छिलका भी ऐड कर रहा हूँ, इससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। और लास्ट में इसमें खूब सारा नमक डाल रहा हूँ। नमक आपको उतना डालना है कि जब भी आप पानी को चक्कर देखें तो एकदम समुंदर के पानी जैसे लगना चाहिए, एकदम सॉल्टी वाटर लगना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक एक बार ऐड कर दिया, सारी चीज़ें आपने मिला ली, 2 से 3 मिनट तक पानी को मसालों के साथ अच्छे से उबाल लीजिए ताकि मसालों का फ्लेवर जो है वो पानी में अच्छे से आ जाए। 2 से 3 मिनट बाद इसमें चावल ऐड करने, तो चावल आप देख सकते हो हमारे अच्छे से सोख हो गए हैं। ये जो पानी है ये पानी को आपको निकाल देना है चावल ऐड करने से पहले। पानी निकाल कर चावल को ऐड कर दीजिए। अब हाई फ्लेम पर ही चावल को आपको पकाना है। इनिशियली हल्का सा स्टर करना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा करछी मत चलाइए, चावल के दाने टूट जाते हैं। स्टार्टिंग में 1 मिनट के लिए रोरिंग बॉयल पे चावल को आपको उबालना है, इससे क्या है चावल के दाने एकदम अच्छे से खिल जाते हैं। 1 मिनट तक चावलों को खोलते हुए पानी में पकाने के बाद फ्लेम को मीडियम पे कर दीजिए। कंटिन्यूसली खोलते हुए पानी में पकाएंगे तो चावल के दाने बहुत नाजुक होते हैं, टूट जाते हैं। अगर आपने 45 मिनट से 1 घंटे के लिए चावलों को अगर भिगो के रखा था तो बस 4 से 5 मिनट में ही आपके चावल परफेक्टली पक जाएंगे। हमको चावलों को बस 80% तक कुक करना है, 100% तक कुक नहीं करना है। बेस्ट तरीका ये होता है कि 4 मिनट बाद आप चावलों को निकालिए, थोड़े से दाने लीजिए, दाने अच्छे से खिल जाने चाहिए और इनको जब भी आप खा कर देखेंगे तो इनमें हल्की सी बाइट रह जानी चाहिए। ये एक आसान तरीका है चावलों को चेक करने के लिए। तो हल्की सी बाइट रह गई है चावलों में, चावल हमारे 80% कुक हो चुके हैं। यहाँ पर जो नींबू मैंने ऐड किया था वो नींबू का छिलका आपको निकाल देना है। अब 1/2 चावल मैं झारे से उठा रहा हूँ और जो हमने सब्जियां तैयार करके रखी थी, लेयरिंग करके रखी थी, उसमें आपको एकदम केयरफुली यहाँ पर ऐड कर देना है। चावल को हैंडल बहुत नाजुक तरीके से करना है। एक फोर्क ले लीजिए, अच्छे से चावलों को फैला लीजिए एकदम हल्के हाथों से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया, थोड़ा ताज़ा कटा हुआ पुदीना और थोड़ा सा बिरिस्ता ऐड कर दीजिए। बाकी के चावलों को भी अभी छान कर आपको फिर से ऊपर डाल देना है और फोर्क की मदद से हल्का सा अच्छे से यूनिफॉर्मली फैला लेना है। यहाँ पर मैंने एक झोल तैयार कर रखा है, ये दूध और केसर है। बस दूध और केसर को इस तरीके से 2-3 टेबलस्पून आपको ऐड कर देने हैं। चावलों के ऊपर अच्छा रंग और फ्लेवर आता है, वो जो पीले रंग के चावल हैं वो इससे बनेंगे और वो अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा केसर का। यहाँ पर मैंने थोड़ा घी को गरम कर लिया था, 2-3 टेबलस्पून घी के भी इस तरीके से आपको बिरयानी में ऐड कर देने। लास्ट में इसमें थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया, थोड़ा ताज़ा कटा हुआ पुदीना और थोड़ा सा बिरिस्ता ऐड कर देना है और ये हमारी बिरयानी की लेयरिंग कंप्लीट हो गई है। बिरयानी की हंडी को दम के लिए सील करने के लिए आप गूंधे हुए आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक मलमल के कपड़े को गीला कर लिया और इस तरीके से बस इसे रोल करके किनारों पर लगा रहा हूँ। इस तरीके से भी आप दम दे सकते हैं। ऊपर से एक ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगाकर आपको अभी इस हांडी के नीचे एक तवा प्लेस करना है, तो एक तवा ले लीजिए, तवे के ऊपर इस हांडी को रख दीजिए और ऊपर एक वजन रख दीजिए और ये हमारे दम का सेटअप तैयार हो गया है। गैस को ऑन कर दीजिए। गैस को ऑन करने के बाद हाई फ्लेम पर इस बिरयानी को आपको 5 मिनट के लिए दम पर पकाना है और उसके बाद लो फ्लेम करके लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इस बिरयानी को आपको दम पर पकाना है। एक बार आपकी बिरयानी जो है दम हो जाए, गैस आप बंद कर देंगे और उसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम यूजुअली करते क्या है कि ढक्कन खोलकर इमीडिएटली बिरयानी को सर्व कर देते हैं, बट वो गलत तरीका है। आपको बिरयानी को कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट होने देना है। होता क्या है, अंदर बहुत ज़्यादा भाफ होती है, स्टीम होती है और उसकी वजह से बिरयानी के फ्लेवर जो हैं काफ़ी म्यूट हो जाते हैं, काफ़ी दब जाते हैं। तो स्टीम को आपको सेटल होने देना है, वो फ्लेवर को अच्छे से चावल में आने देना है। एक बार आपकी बिरयानी सेटल हो जाएगी 20-25 मिनट के बाद, एकदम ही गर्म रहेगी, तभी आप जब सर्व करोगे तो असली बिरयानी का मज़ा आएगा। तो मैंने अभी दम पर बिरयानी को पका लिया है, 20-25 मिनट का रेस्ट भी दे दिया है।
प्लेट कर लेते हैं हमारी वेज दम बिरयानी को YFL स्टाइल। वेज दम बिरयानी आपने देखी हमारी लाजवाब बनी है, चावल एकदम खिले खिले बने और जो सुगंध आ रही थी पूरे किचन के अंदर, खाने में मज़ा आ गया है। और ये रेसिपी आई एम श्योर आप सभी को बहुत पसंद आएगी। आपने देखा जब हांडी को खोला मैंने तो बिरयानी सर्व करने का भी एक तरीका होता है, चावल को आपको साइड से खोलना होता है, एकदम बीच में करछी मत डाल दीजिए। उससे क्या होगा, आप ऊपर के चावलों को निकाल पाएंगे साइड पे, नीचे मसाला लीजिए, फिर ऊपर से वो अलग अलग रंग के चावल डालिए, वैसे खाइए बिरयानी को, बहुत मज़ा आएगा आपको ये बिरयानी खाने में। और एकदम परफेक्ट तरीके से ये बिरयानी आज बनी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट पे आ जाते हैं जो हमारा गिव अवे आज का। इस गिव अवे में तीन लकी विनर्स को हैमिल्टन बीच इंडिया का प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर देने वाला हूँ। और इस गिव अवे में पार्ट लेना बहुत आसान है, तीन सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप वन है हैमिल्टन बीच इंडिया और योर फूड लैब के यूट्यूब चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। स्टेप टू, इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। और स्टेप थ्री, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है कि अगर मैं आपको हैमिल्टन बीच इंडिया का प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर दूँ तो आप सबसे पहले चीज़ इससे क्या बनाएंगे अपने किचन के अंदर। तो फटाफट से ये तीन स्टेप्स कर लीजिए। एंट्रीज 4 मार्च तक ओपन है, रात 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, और 7 मार्च को मैं विनर्स अनाउंस कर दूंगा कमेंट्स पे रिप्लाई करके। तो अपने कमेंट्स पे ध्यान देना 7 मार्च को। आप अगर इंडिया में हैं तो ही पार्ट ले सकते हैं, इंडिया के बाहर से अनफॉर्चुनेटली पार्ट नहीं ले सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी पार्ट ले लीजिए। हैमिल्टन बीच इज अमेरिकाज नंबर वन स्मॉल किचन अप्लायंस ब्रांड एंड हैज़ मोर देन 100 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इट इज़ अ वेल ट्रस्टेड ब्रांड। आपको 5 साल की वारंटी भी मिल जाती है इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ, तो आप बिना कोई टेंशन के इस मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ कर सकते हैं। कई सारे प्रोफेशनल शेफ्स इसे यूज़ करते हैं, मैं भी काफ़ी समय से अपने किचन में इस मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही प्रोफेशनल और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ये हमेशा देता है। तो जल्द से जल्द गिव अवे में पार्ट लीजिए, जल्द से जल्द ये वेज दम बिरयानी अपने घर पे बनाइए और मुझे कमेंट्स बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटिफुल बिरयानी रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।